भेजो है। वसुदेव ने गर्गाचार्य मुनि को, गर्गाचार्य मुनि बोले मैं चला तो जाऊंगा पर तुमको मालूम है कंस को अगर पतो चलो कि गर्गाचार्य मुनि ने वाला को नामकरण संस्कार कियो है तो बस सीधी फांसी मिलेगी। वसुदेव बोले नहीं गुरु, आप मेरे कुल गुरु हो, पुरोहित हो, और आप पुरोहित कुल गुरु के नाते मेरे बेटा को नामकरण आप ही करोगे। सुखदेव समझा रहे हैं महाराज परीक्षित, गर्गाचार्य मुनि आदेश लेकर के चले, नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। बड़ो सम्मान करो नंद बाबा ने, बड़े आदर से ऋषि को बैठायो। यशोदा के कान में जाए की गई, गर्गाचार्य महात्मा आए लल्लन को नाम रखवाए लो। यशोदा बोली पागल हो का, ब्रज में लल्ला को नामकरण हो और ढोल नगाड़े ना बजे। अरे आज बड़ी खुशी है, मेरे घर एक एक ना दुई दुई लल्ला भाई है, और ब्रज में नामकरण हो, ढोल नगाड़े बाजे और उत्सव ना मनाओ जाए। नंद बाबा बोले पहले ऋषि से तो पूछ लो। ऋषि के हाथ जोड़े का हमारे लल्ला को नामकरण कर दे हुए। बोले देखो नामकरण तो मैं मालूम है कि तुम महाराज हो यहाँ के, और जब नामकरण होवे वो तुम्हारे घर तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे, और परीक्षित महाराज ढोल नगाड़े बजेंगे तो तुम्हारो नाचू होएगो, खुशी भी मनाई जाएंगी, मिठाई भी बटेंगी, और महाराज हम क्षमा करें, हम तुम्हारे लल्ला को नाम ही नहीं रखेंगे। अगर काऊ तरह से कंस को पतो चली कि गर्गाचार्य ने जाकर के नामकरण किया है मेरे दुश्मन को, तो बस मेरो तो परिवार भी जेल गयो। नंद बाबा कहने लगे मुनिराज हम ऐसो नामकरण कराएंगे जो काऊ को पतो ही ना चले के लाला को नामकरण है गो आज। वो कैसे होवे वो? बोले गैयन के खरकमे में लाला को लेके और रोहिणी को और यशोदा को लेके आ जाऊंगो, और तुम पहले ही पहुंच जाओ। गर्गाचार्य बोले बात तो बिल्कुल सही है। बोले ढोल नगाड़े, बोले कछु ना बजेगो, अरे नाम करना ही तो होना है प्रभु को। भैया गर्गाचार्य मुनि खरक में चले गए, यशोदा से जाके कही यशोदा फ्री में नामकरण संस्कार है रोज, चुप्पा चानी करवा ले चल के। गर्गाचार्य मुनि आए, और जब ये कही गर्गाचार्य मुनि आए हैं नामकरण फ्री में है रे ओए, यशोदा बोली छोटे मोटे महात्मा से अपने लाला को नामकरण नहीं कराऊंगी, अरे कोई अच्छी पहुंच वालों विद्वान हो तो बाको नामकरण कराऊं। नंद बाबा बोले बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, नामकरण तो लाला को गर्गाचारी करेंगे। यशोदा बोली मैं सब देख लूंगी कितनो बड़ो ज्योतिषी है। रोहिणी से कही ले तू कारी, और देख मेरो लल्ला कारो, तू जाकू ले ले, और देख तेरो बलराम गोरो और मैं गोरी है। अरे कारे कारे को मेल है जावेगो, गोरे गोरे को मेल है जावेगो, और जब महात्मा को ही देखे ज्योतिषी को जो जांच करेगो कि ये लल्ला किनको है या किनको, तब मालूम पड़ेगी। और कृष्ण दे दिए रोहिणी को, और बलराम को यशोदा ने खुद हाथ में ले लियो। खरक में पहुंची, और खरक में पहुंचने के बाद ऋषि सामने बैठे, रखो बाबा नाम हमारे ललन को, और जब ललन को नाम रखवे को नंबर आओ, सो बाबा ने पत्रा खोली हाथ जोड़े ध्यान भगवान को करो, तो बाबा की समाधि लग गई। परीक्षित महाराज समाधि चार प्रकार की होवे, एक होती है प्रसन्नता में समाधि लगना, एक होती है मन से समाधि लगना, एक होती है प्राणायाम समाधि, और एक होती है हंसते हंसते मूर्छित समाधि। तो बाबा पहले तो प्रसन्न की समाधि लगा गए, और प्रसन्नता की समाधि लगा के जब ठाकुर जी के दर्शन भए, फिर तो घोर समाधि में लग गए, मुंह फैलो रह गयो। यशोदा बोली बाबा गयो काम से, गयो गयो बाबा गयो। नंद बाबा जे तो बाबा गयो, आज कलंक लग गयो लाला को के नाम
शरण करने ऋषि आयो, गोविंद को प्यारो है वो, जाकू उठा के फिकवाओ। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को हिलाओ, प्रभु प्रभु आंखें खुल गई एकदम। अरे नंद बाबा, अरे तुम नींद आ रही है? बोले नींद नहीं। गर्गाचार्य ने नेत्र बंद करके प्रभु की सब लीलाओं को देख लिया। इतने विद्वान गर्गाचार्य। मैया मोकू माले में तुम दोनों ललन को बदल के लेके आई हो। जे रोहिणी की जो गोद में लल्ला है ना, जे संसार को पालनहार, जगत को स्वामी, ये स्वयं इतनी कह पाए तब तक कन्हैया ने 7 दिन की उम्र में ही अंगुरिया लगाए दी मुंह पे। ऋषि समझ गए प्रभु मना कर रहे हैं, भेद मत खोलो, जवाब दो। आयो हूं खाएवे माखन मिश्री, और जब परमात्मा को दर्जा आज से ही मिल गो तो कौन माखन मिश्री खवाएवे बारो रे काना। तो गर्गाचार्य फिर बात को घुमा गए। मैया जे लाला तो तेरो है, तू अपनी गोद में ले, और देख जे जो गोरो वालो लाला है, जे कारीवारी मैया को दे दे, जे बदलो तुम करके लाइयो ना। यशोदा समझ गई कि ऋषि वास्तव में ही विद्वान है। चरण छुए यशोदा रोहिणी ने गर्गाचार्य के, नामकरण कर दो हमारे लल्ला को। अम्मो को विश्वास है कि तुम मेरे लल्ला को अच्छी तरह से नामकरण कर ही दोगे। भगवत प्रेमियों, सुखदेव समझा रहे हैं महाराज परीक्षित, सबसे पहलो नाम वासुदेव रखो गयो है। वसुदेव के देने वाले, हर जगह वास करने वाले वासुदेव सबसे प्रथम नाम है। दूसरे को नाम राम रखो है, और कहा भैया मैं इनको नाम राम रखता हूं रोहिणी के जो लाला है, पर ध्यान रखियो अधिक बल होने के कारण इन्हें लोग बलराम भी कहा करेंगे। प्रभु को द्वितीय नाम श्री कृष्ण रखा गया है, और मैया इनके तो हजारों नाम हैं, मुरलीधर, गोविंद, कृष्ण, ठाकुर, हरि, चीर चुरैया, माखन चुरैया, गोवर्धन गिरधारी, अरे इनके तो अनन्य नाम होंगे। और देख मैया बलराम, हलधर, दाऊ, दामा, अरे भैया इनके भी अनेक नाम होंगे। मैया बड़ी प्रसन्न है। मैया पैर सीधे करके बैठो, दर्द होने लगो है, ठाकुर जी की तरफ